गाइस हम जीरपुरा शादी में आए हैं, बहुत ही फाइव स्टार शादी है। अभी बारात आ चुकी है, अभी हम आपको दिखाते हैं बारात जो आई है वहाँ पे। ये शहरन रिजॉर्ट जीरकपुर में है, चलो अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो सामने दूल्हे राजा है हमारे, ऊपर डेकोरेशन कितनी अच्छी है। अंदर आपको लेके जा रहे हैं, देखो शाही शादी है जी। ओके ओके मैडम, रिजॉर्ट चेक करो, फाइव स्टार होटल है बिल्कुल। यहाँ पे स्टारबक्स की कॉफी भी है गाइस, बहुत कुछ है खाने को। और मैंने डाली हुई है बेल बॉटम पैंट, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। अभी आपको अंदर हॉल दिखाते हैं, हॉल भी ऐसा लगता है जैसे कोई फाइव स्टार होटल हो। ये हमारी मम्मा और नानी, देखिए अंदर आ चुके हैं। हॉल है सारा, कितना बड़ा है, क्या बैठने की सीटें देखें, कितनी जबरदस्त सीटिंग प्लान है। बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं। अभी हम आपको बाहर दिखाते हैं, तो स्टारबक्स को यहाँ पे बुला लिया है इन्होंने, स्टारबक्स वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये शादी नहीं लग रही गाइस, कुछ और ही लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर है पता ही, हम भी नहीं पता डिशेस के, ऐसे डिशेस हैं यहाँ पे, इडली सांभर डोसा ये सब कुछ भी है। कुछ डिशेज है वो यहाँ पे नहीं है, कई डिशेज तो ऐसी हैं जो हमने पहली बार देखी है। यहाँ पर बन रहा है इडली सांभर डोसा, बहुत सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर सांभर आगे डोसा बन रहा है और मिल रहा है। भाई अभी हमने आपको दिखाया था डोसा बन रहा है, अब मानो डोसा एंजॉय कर रहा है, बड़ा भी है, बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन है। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह कोल्ड ड्रिंक कैन में ही मिल रहा है। देखिए कितना अच्छा शादी है। आपको हमने बताया था कि स्टारबक्स यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए स्टारबक्स, स्टारबक्स की कॉफी आपको लेकर दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए अब दिख रहा है स्टारबक्स कॉफी, बिल्कुल स्टारबक्स कॉफी बन रही है। चलो आपको पिला के दिखाते हैं, मेन्यू है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मानव ने वहाँ से कैरेमल जो है वो फ्लेवर लिया है, अब टेस्ट करने जा रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल स्टारबक्स है गाइस। बारात का स्वागत हो रहा है, फायरवर्क्स हो रहे हैं और दूल्हे का स्वागत हो रहा है।
ये नाइट्रोजन है, बहुत ठंडी होती है, नाइट्रोजन है गाइस, बहुत ज्यादा ठंडी है और ड्राई आइस है। बताया तुझे कुछ दुल्हन दोनों आ चुके हैं, अभी उनका स्वागत हुआ दुल्हन का और ऊपर वो डाइस पे चले गए हैं दोनों। अब जयमाला की रस्म होने लगी है, जल्दी आगे चलो मानक। गाइस देखिए कार्तिक दूल्हा बन चुका है, बस दुल्हन की तैयारी है, दुल्हन देखते हैं कहां मिलेगी। देखते हैं ये व्लॉग में जाएगा कार्तिक पर, करण तो उसकी दुल्हन है। ओ दुल्हन आएगी अभी, ये दोनों दुल्हन दूल्हे हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा धुंध हो चुकी है, क्या करें यार, अब जाएंगे कैसे, शादी शायद सुबह ही जाएंगे, अब तो पूरी शादी देखकर। ये देखो दोनों मौज कर रहे हैं यहाँ पे भाई, इनका तो अलग ही चल रहा है, और पापा ये खड़े हैं, कार्तिक तो वहाँ पे बैठ गए जाके, और मामा मामी और बैठने लगे हैं दोनों, अब मामा मामी हमारे बैठ रहे हैं। मालम ने तलवार उठा ली है, कार्तिक मांग रहा है कि मुझे ये ले ली कार्तिक ने। कार्तिक कहता मेरी बारी अभी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ ना, फोटोग्राफी फोटोग्राफी चल रही गाइस, कोई ना गया लेकिन तो ज्यादा बढ़िया फोटो खींचता, देखते हैं कौन खींचता ज्यादा फोटो अच्छा। आ रहा खींच ले ले देख ले। मौसम अब खराब हो चुका है, धुंध बढ़ने लगी है बहुत ज़्यादा, 12:15 रात का 12:15 का टाइम है, धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साढ़े तीन हो चुके हैं, कपड़े चेंज कर लिए हमने और घर पे आ चुके हैं, रात रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध, सामने हम गाड़ी ऐसे चला कर आए हैं जैसे पता नहीं कोई कछुए की स्पीड पे आए हैं, है ना। हाँ टोटल 50 किलोमीटर के लिए हमें 2.25 घंटे लगे हैं और बहुत ही मुश्किल से गाड़ी लेके आए हैं, लगता तो ऐसा था कि हमें घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, हमें कहीं पे रुकना पड़ेगा, पर हम आ गए हैं। 5-4 शादी थी गाइस। ये तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।